स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त के चर्चित स्टॉक सजरा एनर्जी के बारे में। इससे पहले भी हम लोग लगातार सजरों के बारे में चर्चा करते आए हैं, लेकिन आज एक खास डे था क्योंकि कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट किया जाना था क्वार्टर वन के रिजल्ट का। तो फाइनली रिजल्ट अनाउंसमेंट हो गया और आप में से बहुत सारे लोगों ने रिजल्ट देख भी लिया है। लेकिन जैसा हम लोग पास्ट के कुछ वीडियोस में चर्चा करते आए कि अगर रिजल्ट बेहतर रहेगा तो टारगेट क्या हो सकते हैं, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। अगर थोड़ा सा हमें रिजल्ट में वीकनेस देखने को मिलती तो कहां तक इसके स्टॉप लॉस हमें देखने को मिल सकते हैं, और खासकर अगर हमें रिजल्ट देखना आ जाए, बैलेंस शीट कंपनी की पढ़ना आ जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो कंपनी की बैलेंस शीट भी देखेंगे, क्या अभी उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है, क्या डिक्रीशन देखने को मिला, वो भी चर्चाएं करेंगे। जैसा हमने कल भी आपसे के साथ डिस्कस किया था कि लगभग 2:30 के आसपास हमें कल भी एक बहुत बड़ी डाउनफॉल देखने को मिली, और आज की डेट में भी हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला 2:30 के आसपास, जिस वजह से आपने देख लिया होगा कि स्टॉक में जय स्टॉक आज ऑल टाइम हाई पर था। कह सकते हैं कि अभी रिसेंटली ऑल टाइम हाई अप कह सकते हैं, 52 वीक हाई कह सकते हैं कि 20.80 रुपये पर स्टॉक गया हुआ था, और उसके बाद स्टॉक आपको 5% सर्किट के साथ डाउन क्लोजिंग दिया। इससे पहले चर्चाएं अगर हम करें, एक महीने के रिटर्न्स की बात करें, छः महीने के रिटर्न्स की बात करें, साल की, तो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दिए। तो सबसे पहले चलते हैं कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर। तो यहाँ से फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये रिजल्ट है आज का। आप यहाँ से डेट देख सकते हो, जैसा इन्होंने कहा भी था कि हम 4:00 के आसपास अपना रिजल्ट अनाउंसमेंट करेंगे। अगर आपने देखा होगा तो इन्होंने ऑलरेडी डिस्कस किया था पिछले, अगर आप नोटिफिकेशन के अंदर देखोगे, यहाँ से हम नाम देख सकते हैं सजरा एनर्जी। ये आप कैसे देख सकते हो, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी कहा था कि सर हम ये कैसे देख सकते हैं कि कहाँ पर हमें ये रिजल्ट पीडीएफ मिलेगा। तो रिजल्ट पीडीएफ के लिए मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट बीएससी की वेबसाइट पर जा सकते हो, अदरवाइज मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ। आपको आना है screen.in। अगर आप गूगल करोगे तो screen.in के ऊपर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर कंपनी का नाम सर्च करना सजरा एनर्जी, और उसके बाद अगर आप डायरेक्ट यहाँ से देखना चाहो तो डायरेक्ट आप डॉक्यूमेंट सेक्शन के अंदर आ सकते हो, अदरवाइज इसको आप स्क्रॉल डाउन करोगे इस तरीके से, और आप यहाँ पर देखोगे अनाउंसमेंट डॉक्यूमेंट सेक्शन के अंदर अनाउंसमेंट देखने को मिला। और अभी रिसेंटली 1 घंटे के पहले ये काफ़ी सारे इनके नोटिफिकेशन है, जहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते कि इनका आउटकम जो आज हमें मीटिंग का देखने को मिला। तो ये वो पीडीएफ है, इसको आप पीडीएफ देख सकते हो, पढ़ सकते हो, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं क्वार्टर के बारे में। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से ये हम कह सकते हैं सिक्योरिटीज़ की तरफ से रिजल्ट देखने को मिला। हमें देखना रहता है हमेशा कंसोलिडेट रिजल्ट, ठीक है, स्टैंड अलोन नहीं देखना है, कंसोलिडेट डेटा देखना है, जिसमें कई सारी कंपनीज की जो सब्सिडरीज कंपनी है, मतलब पूरा डेटा आपको कंसोलिडेट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से जो नंबर दिए गए वो आपको करोड़ में फिगर्स दिए गए, ये आज क्वार्टर का यानी कि Q1 June का है, लास्ट कह सकते हैं क्वार्टर यानी कि Q4 का, और लास्ट ईयर सेम Q1 का आपको नंबर देखने को मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस देखना, और यहाँ से हमें Q1 बेसिस रिजल्ट देख सकते हो। सबसे पहले हमें यहाँ पर टोटल इनकम देख सकते हैं कि इनकम कितना कंपनी का हुआ, टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, तो आप देख सकते हैं 1,361.68 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ जबकि इनकम हुई, जबकि लास्ट क्वार्टर के अंदर यानी कि Q4 में 1,699.96 करोड़ का इनकम था, लास्ट ईयर 1,383 था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कह सकते हैं कि थोड़ी सी हमें डिक्रीज देखने को मिला, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देख सकते हैं बड़ी गिरावट देखने को मिल रहा है। तो अगर हम थोड़ा सा नीचे एक्सपेंसेस देखें, टोटल एक्सपेंसेस आप देख सकते हैं कितना कंपनी ने इनकम किया, वो कितने खर्चे किए हैं, वह सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। एक्सपेंसेस के बाद जो बचता है ना वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगर हम देखें ये वाला कॉलम, तो यहाँ पर देख सकते हैं 92.88 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट है बिफोर कह सकते हैं एक्सपेंस टैक्स के। अब अगर यहाँ पर देखोगे इस कॉलम को, वही लास्ट क्वार्टर के अंदर 71.57 था, वही लास्ट ईयर आप देखोगे तो मात्र 7.23 था। अब यही चीज़ देखना, देखिए इन्वेस्टर, मैंने क्या कहा था कि ये स्टॉक ना सिर्फ पब्लिक ओरिएंटेड हो चुका है, ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड स्टॉक पहुँच चुका है, वॉल्यूम बहुत हाई है। तो इन्वेस्टर रिटेलर होता है ना, सबसे सीधा होता है, कह सकते हैं सबसे ज़्यादा उसको गुमराह किया जा सकता है रिटेलर्स को मार्केट के अंदर। तो ऐसे में ऑपरेटर्स बड़ी बड़ी क्वांटिटी में नंबर ऑफ शेयर्स बाय करके सेल करके स्टॉक को ऑपरेट किया कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये तो कंपनी ने खर्चे पिछली बार भी किए थे, अपने खर्चे से भी ज़्यादा कंपनी ने यहाँ पर खर्चा कर दिया था, यहाँ खर्चा कर दिया। मैं आपको यहाँ से दिखा सकूँ, यहाँ से देखिएगा यहाँ पर कितना खर्चा किया था, यहाँ इनकम से भी ज़्यादा कह सकते हैं कि लगभग खर्चा यहाँ किया था, यहाँ किया। तो अभी भी अगर आप देखोगे प्रॉफिट बिफोर एक्सपेंस आइटम, ठीक है, तो यहाँ पर अभी भी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप लास्ट ईयर की अपेक्षा देखोगे या लास्ट क्वार्टर की अपेक्षा देखें, तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखें कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो आप देख सकते हो कि 101 करोड़ का, 323 करोड़ का और 2400
76 करोड़ का। अब ये कैसे आ गया जबकि यहाँ पर था मात्र 7.2 करोड़ का। समझने का प्रयास करिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि बाउंस कर रहा है, लेकिन समझने का प्रयास करिएगा इस चीज़ को। यहाँ पर आप एक फोर्थ कॉलम में देखोगे, यहाँ पर जिस पर मैं टिक कर रहा हूँ, फोर्थ कॉलम यहाँ पर देखिए, फोर्थ कॉलम यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेप्शनल आइटम। एक्सेप्शनल आइटम में आप रेफरेंस नंबर नोट 5 पर जाइएगा, वहाँ पर इन्होंने बताया कि कहाँ से इनको इनकम हुआ है एक्स्ट्रा इनकम, जो कि इस क्वार्टर के अंदर मात्र 8.17 करोड़ था। वही लास्ट क्वार्टर में देखोगे 251.51 करोड़ था, और वही लास्ट ईयर था 2469 करोड़। और यही आपको फर्क देखने को मिल रहा है कि अगर कोई भी, बहुत सारे यूट्यूब पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे, वो ये चीज़ नहीं बताएंगे क्यों इतना प्रॉफिट मिल रहा है, वो सीधा आपको ये दिखा देंगे कि नेट प्रॉफिट तो जो था वो 2432 करोड़ था, वो घटकर इतना रह गया। ये नहीं देखना है आपको, देखना है कि कंपनी की तरफ से कितना उसने ऑपरेट किया था, कितना उसने सेल्स किया, सेल्स करने के बाद कितना उसने खर्चा किया, और खर्चा करने के बाद उसे कितना प्रॉफिट हुआ। आपको एक्सेप्शनल आइटम नहीं देखना। एक्सेप्शनल आइटम में होता है क्या कि दैट सपोज आप मान लो कि आपकी सैलरी है 1,00,000 रुपये, अब उसमें जो भी आपके घर के खर्चे हैं उसके बाद जो बचता है ना 30,000, अब हो सकता है कि 30,000 रुपये तो आपकी सैलरी से बचा हुआ जो आपने सिर्फ इनकम किया हुआ, अब उसमें हो सकता है कि आपने कुछ लैंड बेची हो, अपनी ज़मीन बेची हो, या आपने कुछ मशीनरी बेची हो, कुछ एसेट्स बेचे हो, तो वो एसेट्स को आप कह सकते हो कि एक्सेप्शनल आइटम है। तो आपने सिर्फ 30,000 देखना है, एक्सेप्शनल आइटम तो अभी आज है कल नहीं है क्योंकि आपने बेच दिया, तो उसको आपको कंसीडर नहीं करना मेरे हिसाब से। मैं अपनी बात करूं तो यहां पर आपको देखना है कि कंपनी को अभी भी प्रॉफिट है। तो इसलिए कह रहा हूं कि अगर हम नेट प्रॉफिट देखें फॉर दिस पीरियड, तो आप यहां पर देख सकते हो 100 करोड़ का देखने को मिल रहा है यहां से। तो आपको ये नहीं देखना कि यहां से बहुत बड़ा डाउनफॉल आ गया तो इस वजह से स्टॉक में बहुत बड़ी सेलिंग देखने को मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं। यहां पर सिर्फ ऑपरेट किया जाएगा, थोड़ा सा स्टॉक जरूर आपको लोअर सर्किट में देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपने अपना मन बना के रखा कि मुझे यहां से बड़े रिटर्न्स लेना है, तो मैंने ऑलरेडी कहा कि आपको 2026 तक वेट करना है। स्टॉक अगेन वही रेंज में जाकर फंसेगा, जाकर थोड़ा सा फंसेगा, फिर उसके बाद फिर ये बाहर वहां से निकलेगा। थोड़ा सा मैं आपको वो आज की इंट्राडे डील दिखा देता हूं। तो यहां से फ्रेंड्स आप देख सकते हो, अगर हम डील की बात करें तो आप देख सकते हो सुजरा एनर्जी, आज का अपडेट देख सकते हो, एक्सचेंज देख सकते हो, कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी में किस प्राइस पे हुआ और किस किस समय पे आज हमें यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली, क्योंकि लोअर सर्किट में था तो डेफिनेटली हमें सेलिंग ही मिला होगा, लेकिन सेलिंग क्रिएट कहाँ पर हुआ वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर आज हमें सेलिंग देखने को मिला, और जिस सेलिंग की वजह से स्टॉक में आज आपको लोअर सर्किट देखने को मिला। वही लगभग 2:30 बजे के आसपास एक बड़ी हमें सेलिंग देखने को मिली थी, लगभग 21 करोड़ से ज़्यादा नंबर ऑफ से करोड़ से ज़्यादा कह सकते हैं हमें उस सेलिंग देखने को मिला। मैं आपको वो डेट आज यहाँ से ये देख सकता हूँ, ये वाला जी देख सकता हूँ, 21.88 करोड़ का 2:27 पर एक डील हमें देखने को मिला, सेलिंग ऑर्डर देखने को मिला, और उसी समय स्टॉक के अंदर लोअर सर्किट था। 19 रुपये पर सेलिंग देखने को मिली, कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे सेल हुआ आप देख सकते हैं, NSE के अंदर सेल हुआ, आज का अपडेट देख सकते हो। उसके बाद कुछ और बड़ी छोटी डील्स हुई जहाँ पर 8 करोड़, 5 करोड़, ऐसे बहुत सारी डील्स आपको देखने को मिलेंगी ना। तो मेरा अभी भी यही कंसर्न है कि आपको एक बार ज़रूर अपना ध्यान से एक बार एनालिसिस करिए, क्या आपको लगता है कि स्टॉक में मुझे भी निकल जाना चाहिए, फिर कल को आपको ये ना हो कि मैंने गलत किया, गलत मेरा डिसीजन था। आपको क्या लगता है, आपका क्या व्यू है इस स्टॉक से लेकर, मेरे साथ भी शेयर करिए, क्योंकि मैंने भी एक बड़ी क्वांटिटी में नंबर ऑफ शेयर्स इस स्टॉक के होल्ड करके रखे हुए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपका कोई सवाल, सुझाव, कंसर्न तो भेजिए कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके बताएगा।